मेरे प्यार बहनों भैया और मित्रों तो कैसे हो आप आज हम बात करने वाले हैं नेडम प्लस जेल के बारे में यानी इस जैल को लड़कियों को लगाना चाहिए या लड़कों को लगाना चाहिए।, चाहिए क्या क्या फायदे क्या नुकसान है में पूरी जानकारी जाने वाले हो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस क्रीम को किस किस प्रॉब्लम यानी कि त्वचा पर किन किन प्रॉब्लमों में हम इसे यूज कर सकते हैं इस क्रीम को नंबर वन दोस्तों जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है यानी कि जिनके फेस पर यानी कि चेहरे पर दाने निकले हैं तो उनमें ये काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों आप इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो नंबर दो दोस्तों चेहरे पर अथवा त्वचा पर कैसे भी पुराने से पुराने निशान हो तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं नंबर थ्री अगर आपके चेहरे पर कील मोहशे व महावशों के छोटे छोटे गड्ढे हो तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं नंबर फोर अगर आपके चेहरे पर पिंपल हो या पिंपल के पुराने से पुराने निशान हो तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों नंबर फाइव दोस्तों आपने देखा होगा देर रात जागने से आँखों के नीचे काले गहरे हो जाते हैं जिनको हम डार्क सर्कल्स बोलते हैं तो दोस्तों आप इस क्रीम को आसानी से यूज़ कर सकते हो नंबर सिक्स अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ या झुरिया हो तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो नंबर सेवन दोस्तों अगर आप तेज़ धूप में जाने से डरते हो जिससे कि तेज़ धूप के कारण त्वचा काली पड़ गई हो तो आप इस क्रीम को यूज़ कर सकते हो नंबर एट दोस्तों आपने देखा होगा कि डिलीवरी के बाद पेट पर निशान हो जाते हैं गाइज आप इसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ प्रयोग विधि यानी कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका दोस्तों इस क्रीम को आपको रात में चेहरे पर अथवा प्रभावित त्वचा पर एक मिनट तक अच्छे से मसाज करें और पूरी रात लगी रहने दे दोस्तों क्रीम लगाने के बाद चेहरे को गर्मी धूप हिट आदि से बचाव रखना है आपको यानी कि आपको गर्मी में नहीं जाना है धूप में नहीं जाना है इस क्रीम को लगाने के बाद तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में यानी कि इसके नुकसान के बारे में बाजी बाजी बार किसी को सूट ना करे तो ये देखने को हमें मिल सकता है स्किन ड्राई स्किन एलर्जी स्किन रेडनेस दोस्तों अगर आपको ये टूब सूट ना आए तो बिल्कुल घबराए नहीं इस क्रीम को यूज करना बंद कर दे और डॉक्टर से कांटेक्ट करे उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आप समझ गए होंगे तो दोस्तों प्लस जाल के फिल्म जानकारी दोस्तों अगर आप चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें थैंक यू